नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत सुंदर ही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि आप लोग के पास में डायरेक्ट जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, ये देख रहे हैं पालक। पालक में बहुत विटामिन अच्छा अच्छा मिलता है, जो कि आंतों की रेशा जो है वो बहुत मजबूत बना करके रखता है, और आप अंतरी जो है अंतरी को स्ट्रांग और टाइट बना करके रखता है। आंतें जो है खाना पचाती है, उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि इसमें क्या कितना गुण पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों के शरीर में विटामिन लोहा की कमी है, तो इसके जो है इसके पत्ते को उबाल करके अच्छा से साग बना करके खाइए, लेकिन ज़्यादा खाने से पेट भी खराब होने की संभावना बना रहता है पालक। और आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको बंद गोभी में मिला करके खाइएगा या कोई भी चीज़ में, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिझाइएगा, क्योंकि ये कच्चा रह जाता है तो पेट खराब हो जाती है। और हम लोग के शरीर में जब लोहा विटामिन रहेगी, तो हम लोग की गाड़ी जो है वो आसानी से बुढ़ापे तक चलेगी। नहीं तो जब हड्डी मजबूत नहीं रहेगा, तो समझिए कि विटामिन की कमी हो जाएगी, तो हम लोगों को बहुत सब नुकसान सहना पड़ सकता है। और इसमें आप लोग बंद गोभी भी मिला करके खा सकते हैं, आलू की सब्जी भी मिला करके खा सकते हैं, और ये पत्तेदार सब्जी जितनी भी खाएंगे उतना हरा सब्जी खाइए, और कुपोषण दूर रोग जो है वो हमेशा के लिए मिटाइए। आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन इस पत्तेदार सब्जी को थोड़ा सा कीड़ा मकोड़ा इसमें लग जाते हैं, तो इसको झाड़ बहार करके बनाना चाहिए। इसमें का कीड़ा जो है वो बहुत ही अंदर पेट में चल जाता है, तो हानि करता है। देखिए दोस्तों, ये फूल है, इसमें कीड़ा छोटा छोटा बैठ जाता है, तो इसके कारण जो है वो तरह तरह की बीमारी होने की संभावना बना रहता है। तो इन सभी बीमारियों से बचना है, तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा, कि आप लोग के घर में खुशियाँ हमेशा मिलती रहे, और आपके पास में बीमारी जितनी भी है वो हमेशा के लिए मिट जाए। दोस्तों, और पालक की सब्जी जरूर खाइएगा, और उसमें बंद गोभी भी मिला सकते हैं, सोयाबीन भी मिला सकते हैं। इसको हरा साग सब्जी खाएंगे आप लोग, तो कुपोषण की बीमारी, टीबी, कैंसर, अंतरी में कैंसर, अधरहर जमी, बदहर जमी, और पेट साफ रहता है, ये सब चीजें जो है बीमारी कभी नहीं होती है। थैंक यू दोस्तों, जहां भी रहे वहां बने रहे, मस्त रहे, आप लोग के घर में खुशियां हमेशा माता दुर्गा जी की कृपा से मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, आप लोग के जो भी बरकत है कमीनी में वो हमेशा माता दुर्गा जी देते रहे।